हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल कुछ नया। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ नेपाल और साथ में ले जा रहा हूँ आप लोगों को भी। और मेरी नेपाल जाने की दोस्तों जो मेन कारण है दोस्तों, वो मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी एक आई पेशेंट है दोस्तों, और इससे पहले मेरी मम्मी को ऑपरेशन करके हम लोगों ने घर लाया था, और डॉक्टर ने बोला था कि 21 दिन बाद फिर से चेकअप के लिए ले जाने के लिए। तो दोस्तों, आज 21 दिन पूरा हो चुका है और मेरी मम्मी को लेके मैं जा रहा हूँ नेपाल। और इससे पहले भी मैंने एक बार नेपाल जा चुका हूँ, इसलिए मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को मैं बता सकूँ नेपाल जाने में आपको कितना किराया लगेगा और घर से आपको क्या क्या लेके निकालना पड़ेगा। और दोस्तों, एक जगह आप फ्री पे भी जा सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा किधर आप फ्री पे जा सकते हो दोस्तों। और मैं आपको 10 ऐसा हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे जो नेपाल के अंदर सबसे टॉप माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक नंबर पे तिलगंगा आई हॉस्पिटल पड़ता है, जो नेपाल के राजधानी काठमांडू पे स्थापित है। ये एशिया के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। दूसरा नंबर पे जो हॉस्पिटल है वो है विराटनगर आई हॉस्पिटल। और विराटनगर आई हॉस्पिटल बहुत फेमस है, और विराटनगर आई हॉस्पिटल नेपाल के बॉर्डर से 112 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है। और दोस्तों, तीसरा नंबर पे जो हॉस्पिटल है वो नेपाल के बॉर्डर के लगभग पास ही है, वो है मेसी। उसको मेसी का नाम से जाना जाता है, और मेसी नेपाल के बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। इसलिए जितना भी बाहर से लोग, इंडिया से लोग जाता है, ज़्यादातर लोग मेसी पे जाता है, क्योंकि ये नेपाल के बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। और दोस्तों, हम जिस हॉस्पिटल पे जा रहे हैं वो है दृष्टि हॉस्पिटल, जिसको बित्तामूड हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये नेपाल के बॉर्डर से 21 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है दोस्तों। और आपको मैं ऐसा 6 हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये बहुत दूरी पे होता है, इसमें इतना लोग जाता नहीं है। ये 4 हॉस्पिटल सबसे मशहूर माना जाता है नेपाल के अंदर दोस्तों, और 6 हॉस्पिटल के नाम आपको मैं बता दें दोस्तों। 5 नंबर पे गीता आई हॉस्पिटल पड़ता है दोस्तों, और ये नेपाल के बॉर्डर से लगभग 1049 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है। और बाहर से बहुत लोग जाता है दोस्तों, लेकिन इस हॉस्पिटल पर जाना नहीं चाहता है। जो फैसिलिटी आपको पास वाला हॉस्पिटल में मिल रहा है दोस्तों, उसी फैसिलिटी के लिए आपको 1000 किलोमीटर दूरी पर जाना क्या ज़रूरत है दोस्तों। और जो 6 नंबर पे दोस्तों पड़ता है वो लाम्बिनी आई हॉस्पिटल पड़ता है दोस्तों, ये 672 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है नेपाल के बॉर्डर से भी। जो 7 नंबर पे पड़ रहा है वो रिप्ती आई हॉस्पिटल पड़ रहा है दोस्तों, ये नेपाल के बॉर्डर से 885 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। और दोस्तों, जो 8वां नंबर पे पड़ रहा है दोस्तों, हिमालय आई हॉस्पिटल पड़ रहा है, और ये नेपाल के बॉर्डर से 601 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। इसलिए ये वाला ऐसा हॉस्पिटल पे लोग जाना नहीं चाहता है, क्योंकि नेपाल से बहुत दूरी पे है, और जो पास में उसी हॉस्पिटल पे लोग ज़्यादातर जाना चाहते हैं। 9 नंबर पे भारतपुर आई हॉस्पिटल पड़ता है दोस्तों, और ये नेपाल के बॉर्डर से लगभग 472 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। और दोस्तों, जो 10वां नंबर पे पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है सागरमाता आई हॉस्पिटल दोस्तों, और ये नेपाल के बॉर्डर से लगभग 197 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है दोस्तों। और आपको ऐसा बहुत जानकारी मिलेगा देखने को, आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे। आपको मैं नेपाल जाऊंगा, कैसे जाऊंगा पूरा वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा साथ। दो दोस्तों, जो लोकेशन था वो मैं लोकेशन अभी चेंज कर चुका हूँ। जो टॉपिक था पहले हॉस्पिटल के बारे में, तो दोस्तों अब मैं हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं अब बताने वाला हूँ कि अगर आप नेपाल जाना चाहते हो तो आपको बड़ौदा रोड से क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने बड़ौदा रोड से एक जगह के लिए जो टिकट लिया, एक टिकट का प्राइस है 250 रुपीज़। और साथ में मैं आपको बोरपटा रूट का जो ट्रेन स्टेशन है या प्लेटफॉर्म है वो भी साथ में घूम के दिखाएंगे। थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है पहले से, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, डिजिटल सरकार आ चुका है। चलिए मैं आपको बोरपटा रूट का जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा जो ट्रेन था वो 4:20 पे था, और नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन अब बाइक वाला ने क्या किया, नंबर 2 पे डाल दिया। और जितना भी आदमी था वो सारा रोड क्रॉस करके इस पार आ चुका है दोस्तों, और हम भी आ चुके, इस पार आके बैठ चुके हैं। हमारा ट्रेन आ चुका है, हम अभी ट्रेन पे चलेंगे दोस्तों।
दोस्तों हमारा जो ट्रेन का डब्बा है वो S5 है, तो हम S5 में चढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों S5 पे फ्री रुकेगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी ट्रेन छोड़ चुका है, छोड़ चुका है बिजली स्टेशन पे रुका है और मुझे एक गजब का चीज देखने को मिल चुका है दोस्तों। ट्रेन, इसके ऊपर से ट्रेन चलता है। किसी किसी को शायद मालूम भी नहीं होगा कि ट्रेन ऐसा लोहा के ऊपर से ट्रेन चलता है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बोलता है ट्रेन। दोस्तों इसके ऊपर से ट्रेन चलता है, बहुत लंबा लंबा है दोस्तों, इधर से उधर तक है। और इधर से देखिए कितना दूर है दोस्तों। और दोस्तों ये मुझे पहली बार देखने को मिल चुका है कि ट्रेन का जो चेन होता है ऐसे ट्रेन पे ले लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम NGP पे उतर चुके हैं, अभी NGP पे 5 घंटा वेटिंग करना पड़ेगा। अभी रात का 11 बज चुके हैं दोस्तों, हम इधर जाए कोई रास्ता ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों NGP से सीधा नेपाल के लिए सुबह 4 बजे गाड़ी निकलता है, बस निकलता है छोटा गाड़ी। तो दोस्तों हम जाएंगे सुबह के 4 बजे के बस से। तो अभी हम NGP पे 4 घंटा। दोस्तों जो NGP प्लेटफॉर्म है वो पहले से बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, इधर लिफ्ट भी लगा है दोस्तों। तो दोस्तों NGP की क्या बात बोलूँ, ये बहुत बड़ा जंक्शन है ये। और NGP पे दोस्तों लिफ्ट भी लगा है और NGP बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। NGP स्टेशन भी देख लो दोस्तों कैसा है। हे गाइस, आप तो सामने देख ही रहे हो कितना दूर तक आपको NGP प्लेटफॉर्म दिख रहा है। और NGP प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर ये पड़ता है दोस्तों। और आप अगर इधर से NGP के कार पार्किंग पे जाना चाहोगे तो आपको इधर से लगभग 15 से 20 मिनट टाइम लग जाएगा, आप अगर इधर से कार पार्किंग पे जाना चाहते हो तो। NGP प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक सुविधा मिलेगा, साथ में आपको लिफ्ट भी मिलेगा। अगर आप लिफ्ट से आना चाहते हो तो आपको दाहिने की तरफ एक लिफ्ट का सिस्टम मिलेगा, आप इधर से भी आ सकते हो। और सामने भी आपको देखने को मिलेगा रास्ता, इधर से भी आप चढ़ सकते हो। तो इधर से अगर आप सीधा जाते हो तो आपको NGP का कार पार्किंग मिलेगा। उधर ही आपको पूछा जाएगा कि आपको रूम चाहिए या गाड़ी पे, गाड़ी से कहीं पे आपको जाना है। आप गाड़ी से उधर से नेपाल भी जा सकते हो या बंगाल के दूसरा साइड भी जा सकते हो, सिलीगुड़ी भी जा सकते हो। और सामने इधर TT टिकट चेक कर रहा है, अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो आपको इधर से कार पार्किंग पर जाने नहीं देगा और आपसे जो पैसा है वो चार्ज करेगा जरिमाना के तरफ से। तो चलिए हमारे साथ, हम जा रहे कार पार्किंग पे और ये कितना बड़ा है ये भी आपको देखने को मिलेगा साथ में। छोटा गाड़ी पे जाएंगे तो कितना किराया पड़ेगा? अभी नहीं मिलेगा तो अभी जाके क्या देंगे, होटल भी बंद है। कितना बजे मिलेगा? 5 बजे
5 बजे छोटा गाड़ी पे किराया कितना है? 1200 लेगा। 1200 तो दोस्तों मैं फिलहाल NGP के बाहर कार पार्किंग पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे की नज़रिया भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं फिलहाल कार पार्किंग पे खड़ा हूँ और दोस्तों अगर कोई नेपाल जाना चाहते तो दोस्तों उसको सबसे पहले NGP पे आना पड़ेगा, चाहे वो कश्मीर से आए, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे वो जम्मू से आए, चाहे वो हरियाणा चाहे, चाहे वो गुर्जर चाहे, चाहे वो राजस्थान चाहे। अगर कोई नेपाल जाना चाहते तो दोस्त सबसे आगे उसको NGP जंक्शन मतलब न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे आना पड़ेगा। और दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन जो बहुत बड़ा है दोस्तों, तो दोस्तों मैं फिलहाल 12 बजे NGP जंक्शन पे उतर चुका हूँ और मुझे यहाँ अभी भी गाड़ी मिल रहा है, लेकिन अभी जो गाड़ी मिल रहा है वो बहुत रेट पे है दोस्तों। अगर किसी को अभी नेपाल लेके जाएगा तो दोस्तों उससे कम से कम 1000 रुपया किराया लेगा। तो हम सुबह के 4 बजे बाद से जाएंगे, 70 रुपया किराए से जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उस साइड आपको रूम के बारे में भी पूछेगा, खुद लोग आएगा तो आपको बोलेगा कि आपको रूम चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमको रूम नहीं चाहिए, हम 4 घंटे के बाद दोस्तों सुबह के बाद से 4 बजे के बाद से तो दोस्तों हम नेपाल जाने वाले और 70 रुपये किराए पे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों NGP के बाहर कुछ ऐसा नज़रिया है, कुछ ऐसा प्लेस है और NGP जो जंक्शन है वो बहुत बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा स्टेशन घूम के देखते हैं कि NGP जंक्शन कैसा है दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ बने रहे तो हम आपको दिखाने वाले हैं NGP जंक्शन कितना बड़ा है दोस्तों। और दोस्तों आपको इधर ही जब आप इधर से सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो दोस्तों आपको इधर ही पूछा जाएगा कि आपको रूम चाहिए क्या नहीं चाहिए। दोस्तों मुझे भी पूछा गया कि आपको रूम चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो दोस्तों मुझे रूम नहीं चाहिए क्योंकि मैं 4 घंटा वेट करने वाला हूँ और मैं 1000 रुपया बचाने वाला हूँ। अगर कोई रूम लेता है तो दोस्तों उससे लगभग 500 रुपया लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं 4 घंटा इधर वेटिंग करूंगा तो दोस्तों मेरा 500 रुपया बच जाएगा और रात का अभी 12 बज चुका है दोस्तों और हर एक बंदा अभी सो चुका है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की कैमरे से कैसे लोग सो चुका है। भाई साहब कुछ कहने वाला है बताओ। हाँ दोस्तों, तो भाई बोल रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो ठोक के लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों NGP पे आके दादू के साथ मेरा मुलाकात हो चुका है और दादू कुछ आप लोगों को बोलना चाहते हैं, तो दादू क्या बोलने चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं लड़का बहुत कामयाबी होगा, कब इसको सब सब मकसद पूरा हो जाएगा और ये बहुत होनहार लड़का है, इसलिए वो जो करता है वो कंक्रीट करता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। बहुत होशियार है, बहुत मेहनतदार है, इसके आगे मेरा दुआ है ये बहुत आगे बढ़े और अपना काम बरकरार रखे। तो दोस्तों दादू ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, दादू को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ दोस्तों। तो मेरा चैनल पर आप सब सब्सक्राइब करना और कमेंट पे बताना कि दादू के बात आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अभी रात का 3 बज चुका है और NGP पे है दोस्तों, अभी बारिश गिर रहा है, अब देख सकते हो कितना बारिश गिर रहा है दोस्तों। हम नेपाल कैसे जाए हमें डर ही लग रहा है दोस्तों, हमें गाड़ी मिलेगा क्या नहीं इस बात को लेकर भी डर है। और अभी ट्रेन एक आ चुका है, NGP पूरा फुल हो चुका है आदमी से दोस्तों, और पूरा बारिश से पूरा NGP गीला हो चुका है दोस्तों। और दादू भी है, ठंड लग चुका है हमको, ठंड लग चुका है ना दादू बोल रहे हैं? हाँ ठंड लग चुका है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ NGP पूरा गीला हो चुका है, अभी रात को 3 बज चुका है और 1 घंटा बाद हमारा पास है नेपाल जाने का और अभी बहुत लोग आ चुके हैं स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों हम अभी NGP से बस की ओर चल रहे हैं, अभी 4 बजने वाला है, 20 मिनट कम है दोस्तों। और हम जिस बस पे जा रहे हैं दोस्तों वो NGP से पानी टिंकी तक है, नेपाल के बॉर्डर के पास है दोस्तों, और 70 रुपये किराया लगेगा। अगर आप NGP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी आ चुके हो तो दोस्तों आपको खाली 70 रुपये किराए से आप नेपाल पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी आ चुके हो तो दोस्तों आपको 4 बजे के लिए वेटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको 4 बजे इधर से बस जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों मैं बस की ओर जा रहा हूँ, वो है बस, और इस बस पे दोस्तों आपको 70 रुपये किराए पर दोस्तों आप नेपाल पहुँच सकोगे।
तो बस फुल हो ही चुका है, एक दो सीट है। तो दोस्तों हम बस की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको किधर से आना है? इधर से आना है सीधा। इस पे दोस्तों सिर्फ आपको 70 रुपये किराए से आप नेपाल पहुंच सकते हो बस पे। तो दोस्तों वो है बस सामने, तो हम उसी बस पे चलने वाले हैं। तो दोस्तों उतार के बताएंगे आगे की बात। तो दोस्तों इस जगह का नाम है पानी टंकी और यही नेपाल का बॉर्डर माना जाता है। दोस्तों आगे है नेपाल का बॉर्डर। और दोस्तों आपको एनजीपी जॉनसन से इधर आने पे दोस्तों आपको 1 घंटा टाइम लगेगा। और दोस्तों ये लगभग 40 किलोमीटर है एनजीपी से दोस्तों, और आपको 70 रुपया बस पे किराया पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों जो टंकी देख रहे हो आप, इस टंकी की वजह से दोस्तों इस शायद इसका नाम पानी टंकी हो। उधरी हमें ला के बस से छोड़ दिया है। तो दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पानी टंकी के इलाके से नेपाल के अंदर इंटर हो रहे। वो जो देख रहे हो आप, देख रहे हो तो दोस्तों थैंक यू विजिट अगेन, वही नेपाल का गेट है इंडिया से, और उस साइड भी नेपाल पे इंटर होने का एक गेट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा सुबह 6 बजे इतना भीड़ लगा है नेपाल के बॉर्डर पे अंदर इंटर होने पे। तो दोस्तों बीच में एक ब्रिज है दोस्तों, उस साइड इस साइड जो गेट है दोस्तों ये इंडिया का गेट है, और ब्रिज के उस पार जो दोस्तों गेट है वो है नेपाल का गेट। ये है ब्रिज दोस्तों, इसी को नेपाल का बॉर्डर बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको इधर आधार कार्ड या वोटर कार्ड चार्ज करेगा हमको, कोई दोनों में से कोई भी एक कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही ब्रिज जो है यही नेपाल का बॉर्डर है दोस्तों। अभी इंडिया से लोग छोड़ रहा है 6 बजे के आगे, इंडिया से लोग नहीं छोड़ता है। 6 बजे के बाद दोस्तों वोटर कार्ड चेक करके इंडिया से लोगों को नेपाल पे छोड़ते हैं दोस्तों। नेपाल पे छोड़ चुका है, अभी जा रहे हैं नेपाल। दोस्तों इंडिया से हमें छोड़ चुका है। दोस्तों हम जिधर जा रहे हैं उधर हॉस्पिटल का गाड़ी लोगों को लेने आया। जिस हॉस्पिटल पे जा सकते हो दोस्तों आपकी मर्जी, गाड़ी वाला खुद आपको लेके जाएगा बिना किराए के बिना पैसा के दोस्तों। तो हॉस्पिटल जाने पे दोस्तों आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, बिना पैसा आप जा सकते हो, कोई गाड़ी किराया नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं साथ में मैं और एक ब्रिज दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी ब्रिज है, ये नया करके ब्रिज है दोस्तों। नेपाल का भी बहुत मज़ा है, इंडिया से बहुत लोग छोड़ रहा है 6 बजे के आगे दोस्तों, लोग नहीं छोड़ते हैं। और जो मैं कैमरा कर रहा हूँ दोस्तों, मैं चोरी चोरी कर रहा हूँ, इधर कैमरा अलाउड नहीं है, मैं अभी बंद करूँगा। नेपाल पे आए तो ये गाड़ी दिया था, लेकिन इस बार हम चेकअप के लिए आए, हमारा जरूरत नहीं है इसको, तो इसने हमें गाड़ी नहीं दिया, हमें बोल रहे मैजिक पे जाओ। तो दोस्तों ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ, आप इसके हॉस्पिटल पे मत जाओ, अब मेसी पे जाओ। तो दोस्तों मेची नेपाल पे जाओ, उधर आपको गाड़ी फ्री मिलेगा दोस्तों। और ये बंदा हमारे साथ धोखा किया, इसके हॉस्पिटल पे हम और नहीं जाएंगे दोस्तों। और यही नेपाल का बॉर्डर है दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों इसके वजह से हमें गाड़ी नहीं मिला, हॉस्पिटल का गाड़ी दोस्तों इधर दिया जा रहा है, अगर आपको फ्री पे लिया जाएगा दोस्तों। जितना भी हॉस्पिटल है दोस्तों हर एक हॉस्पिटल का एक इधर इधर गाड़ी है, और आपको फ्री पे लेके जाएगा, आप खाली मुंह से निकालना आपको कौन सा हॉस्पिटल पे जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये नेपाल बॉर्डर वो देख रहे हो दोस्तों, लेकिन उधर कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों। ये जो सामने देख रहे हो ये है नेपाली बैंक, और इधर का लोग बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसे कोई मारा मारी नहीं, कोई काटा काटी नहीं, बहुत शांत किस्म का लोग है नेपाल का लोग दोस्तों। और इधर ही गाड़ी सेंटर है दोस्तों, वो है आगे गाड़ी सेंटर। तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं गाड़ी सेंटर पे, उधर से हम बिट्टा मोड़ के लिए गाड़ी लेंगे, और 50 रुपया भाड़ा है दोस्तों अगर आप गाड़ी पे जाओगे। और नेपाल पे ज़्यादा तो लड़की लोग दुकान करता है दोस्तों, होटल बोलो दुकान बोलो लड़की लोग ही करता है दोस्तों, पता नहीं नेपाल का शायद उसूल होगा। तो नेपाल का जो घर का डिज़ाइन है दोस्तों वो नेपाली जैसा है, बहुत अजीब जैसा घर का डिज़ाइन है, और ये किसी से मिलता जुलता नहीं है दोस्तों, ये अपना खुद का डिज़ाइन है ये।
तो बोर्ड पे लिखा है मादर एंड मादर लैंड आर ग्रेटर देन हेवन, इसका मतलब होता है कि जन्नत से भी बड़ी है माँ और मातृभूमि। तो दोस्तों आप घर का डिज़ाइन तो देख ही रहे हो, जैसा अजीब सा घर का डिज़ाइन है दोस्तों। तो दोस्तों हम इधर से बाज नहीं लेंगे, बाज पे लोगों को उल्लू बनाता है, उधर से जो दलाल था वो दलाल ने बोला हमको, तो हम इधर से लेंगे मैजिक दोस्तों, और मैजिक से जाएंगे सीधा बित्ता मोड़ हाई हॉस्पिटल पे।